खबर रायपुर से है, जहां जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ दौरा। तो रायपुर से खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया है, कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर के लिए रवाना हुए। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं, एयरपोर्ट पर जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे जेपी नड्डा। बता दें, जेपी नड्डा का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया है। बीजेपी कार्यालय में पदाधिकारियों की बैठक लेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता नदीम जुड़ गए हैं। नदीम, छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं जेपी नड्डा, भव्य स्वागत उनका एयरपोर्ट पर किया गया। अभी क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ अपडेट है? कि अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है राजधानी रायपुर पहुंचे हैं, और इस दौरे को लेकर के बीजेपी ने खासी तैयारी की थी। नड्डा के स्वागत पे एयरपोर्ट पर जो है कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा है, क्योंकि एकात्म परिसर से रोड शो प्रारंभ होगा, और कहीं ना कहीं इस रोड शो के जरिए बीजेपी एक शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है। विपक्ष पे बैठी हुई बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहती है, और यही वजह रही कि 3 दिवसीय दौरे पर जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजधानी पहुंचे हैं। आज कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, उसके बाद जो है रोड शो के बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को साइंस कॉलेज मैदान में संबोधित करेंगे। बूथ लेवल के पदाधिकारी, ब्लॉक, मंडल, जिला अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ वो संवाद करेंगे, और उसके बाद जो है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 2023 मिशन को लेकर के मंथन यहाँ पर जो है वो होना जाएगा। बस्तर में किस तरह से बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर सके, उस क्योंकि बस्तर को सत्ता की चाबी कहा जाता है, तो उसको किस तरह से वापस हासिल किया जा सके, इसके साथ जसपुर की स्थिति और तमाम संभागों की स्थिति को लेकर वो जायजा लेंगे, और आने वाले 2023 को लेकर के एक खाका यहाँ पर तैयार किया जाएगा। और इसके लिए जो है राजधानी रायपुर जेपी नड्डा पहुंच चुके हैं, कुछ देर बाद रोड शो प्रारंभ होगा। लगभग 50,000 कार्यकर्ताओं का हुजूम जो है अपने अध्यक्ष को सुनने के लिए साइंस कॉलेज ग्राउंड में जो है यहाँ पर जमा है। बिल्कुल नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए।